नमस्कार। आपने देखा होगा कुछ लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, मेंटली स्ट्रोंग होते हैं। आखिर वो लोग कौन होते हैं? और जो मेंटली स्ट्रोंग होते हैं ना, वो सफलता असफलता हताशा निराशा उसमें कभी भी डावाडोल नहीं होते। वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रोंग रहते हैं। उनको पता है क्या करना क्या नहीं करना। जो मानसिक रूप से जो मजबूत लोग होते हैं ना, जो मेंटली रूप से स्ट्रोंग लोग होते हैं ना, वो ध्यान रखना ये सात कार्य कभी नहीं करते हैं। वो ये कार्य कभी नहीं करते, इसलिए वो मेंटली स्ट्रोंग रहते हैं। तो ये मानसिक रूप से जो मजबूत लोग होते हैं ना, वो कौन से सात कार्य नहीं करते हैं? ये देखिए आप। मेंटली रूप से स्ट्रोंग लोग क्या करते हैं पता आपको? क्या नहीं करना उस पर ज्यादा फोकस रहता है। अपन लोग क्या करते हैं कि यार ये कार्य मुझे करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन क्या नहीं करना उस पर आपको फोकस नहीं रहता। आपका फोकस क्या रहा है, क्या करना है उस पर रहता। और जो मेंटली रूप से स्ट्रोंग व्यक्ति होते हैं ना, उनका फोकस क्या रहता है कि यार ये कार्य मुझे नहीं करना, इट्स मीन्स नहीं करना। उनका रिस्ट्रिक्शन होता है कि यार ये कार्य करने से मैं डिस्टर्ब हो सकता हूं, ये कार्य करने से मेरा टाइम वेस्ट होता है, ये कार्य करने से मैं अपने लक्ष्य भटक सकता हूं। इसलिए वो तय करते हैं कि किसी भी हालत में मुझे ये कार्य नहीं करना, तो नहीं करना। उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं यार ये कार्य मुझे करना है, यार ये करना, ये करना। नो नेवर। कभी भी उन कार्य पर आप फोकस करें कि जो आपको भटकाते हैं, जो आपको लक्ष्य दूर करते हैं, जो आपको गलत आदतों की तरह ले जाते हैं, उन पर फोकस करें और कहे कि ये कार्य मुझे नहीं करना, तो नहीं करना। और किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में मुझे ये कार्य नहीं करने जो मुझे मेरे लक्ष्य भटकाते हैं, जो मेरी पर्सनालिटी को डिक्रीज करते हैं, ऐसे कार्य मुझे नहीं करने। मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति यही करते हैं। उनका फोकस होता है कि मुझे यह कार्य नहीं करना, तो नहीं करना। सेकंड, मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति नाकामी स्वीकारते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो नाकामी स्वीकारते हैं लेकिन हार नहीं मानते। मेंटली रूप से जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कोई भी वर्क कर रहे हैं अनसक्सेस हुए तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं अनसक्सेस हुआ, मैं असफल हुआ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं वापस प्रयास करूंगा, अगेन ट्राई करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। यह सबसे बड़ी बात होती है जो मेंटली रूप से स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं उनकी। हर किसी को असफलता मिलती है जीवन में और बार बार भी मिलती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, हार मानकर बैठ जाते हैं। कहते हैं यार अब मेरे से नहीं होता है, अब मैं थक चुका हूं यार, बस अब अति हो गया, अब बहुत हो गया। लेकिन जो मेंटली रूप से स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं, वो बार बार असफलता मिलती है, बार बार नाकामी मिलती है, फिर भी हार नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मैं ट्राई करता रहूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा, लेकिन वो हार नहीं मानते। थर्ड, मेंटली रूप से स्ट्रांग व्यक्ति क्या करते हैं, अतीत की सफलता और असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। पास्ट में आपने कुछ भी कार्य किया, चाहे आपको सफलता मिली हो चाहे आपको असफलता मिली हो, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में भी उसको लेकर बस अपना ढोल बजाते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेंटली रूप से स्ट्रांग व्यक्ति अपने अतीत, अपने पास्ट में जो भी सफलता मिली है, असफलता मिली है, उसको कभी प्रेजेंट में हावी नहीं होने देते। उनको पता है कि प्रेजेंट का टाइम प्रेजेंट होता है, पास्ट में जो कुछ हुआ उसे भूलो और आगे बढ़ो। फोर्थ, मेंटली रूप से स्ट्रांग व्यक्ति स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। कंडीशन देखकर अपने आप को उस कंडीशन के अनुकूल ढाल लेते हैं और परिस्थिति देखकर अपना प्लान बदल लेते हैं। जो मेंटली रूप से स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं ना, उनको पता है कोई भी वो वर्क कर रहे हो, अचानक सडन कोई ट्रबल आई उनके पास, वो घबराते नहीं है, वो हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, वो तुरंत अपना प्लान बदल देते हैं और उस स्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं अपने आप को। बहुत से लोग क्या कर रहे हो, कोई कार्य करते हो, अचानक सडन उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है, कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो वो हताश निराश और अपने आप को टूट चुके होते हैं, बस टूट जाते हैं, बस मेरा जीवन तो खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मानसिक रूप से स्ट्रोंग और शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं ना, वो उस स्थिति के अनुसार ढल जाते हैं और उस कंडीशन के अनुसार अपना प्लान बदल देते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। फिफ्थ, मेंटली रूप से स्ट्रोंग व्यक्ति भावनाओं में नहीं बहते हैं। ध्यान रखना, उनके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होते हैं, वो इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होते हैं। आप उनको भावनाओं से काबू में नहीं कर सकते हैं, वो दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं। उनको पता है कि भावनाओं में इंसान बह जाता है, भावनाओं में इंसान कहीं ना कहीं गलत कार्य कर लेता है, वो अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं।
भावनाओं में नहीं बहते, उनको पता है कि अभी हम भावनाओं में बह गए तो इन फ्यूचर में वी विल गेट ट्रबल, लॉट ऑफ ट्रबल वी विल गेट इन फ्यूचर। इसीलिए वो अपने इमोशनलों में, अपने इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होते, आप चाहे कुछ भी कर लो, वो दिमाग से यूज करते हैं, दिमाग से काम करते हैं। उनको पता है कि इमोशनली ब्लैकमेल मतलब आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिक्स, वो रिजल्ट को लेकर आशावादी रहते हैं लेकिन असफलता मिलने पर निराश नहीं होते। मेंटली रूप से स्ट्रांग व्यक्ति क्या करते हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं, वो उनको एक मन में उत्साह, उमंग और आशा रहती है, नहीं यार ये कार्य कर रहा हूं, ये कार्य की सफलता मुझे मेरे अनुरूप मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, नहीं मिलती तो वो निराश हताश नहीं होते। असफलता मिल गई, चलो वो जी जान लगाकर किसी में कार्य कर रहे हैं, और हो सकता है कि असफलता मिल गई, हताश निराश नहीं होते, वो वापिस अगेन आगे बढ़ते हैं, उस असफलता से सीख लेते हैं और अगेन आगे बढ़ते हैं। वो रिजल्ट के प्रति आशावादी जरूर रहते हैं लेकिन असफलता मिलने पर निराश हताश नहीं होते, वो अगेन हार नहीं मानते, अगेन अगेन आगे बढ़ते रहते हैं। सेवन, मानसिक रूप से स्ट्रांग व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते और ये कभी मौके का इंतजार नहीं करते। ये इनको पता है कि हम अगर दूसरों से तुलना करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस कमजोर होगा, अपना आत्मविश्वास कमजोर होगा। ये कभी भी किसी भी हालात में दूसरों से तुलना नहीं करते। और दूसरी बात इनकी क्या होती है, ये कभी मौके का इंतजार नहीं करते। ये यूं नहीं देखते यार समय आएगा और मैं ये करूंगा, समय आएगा मैं वो करूंगा, ऐसा कभी नहीं करते। ये अपने लिए अवसर पैदा करते हैं और उस अवसर को ढूंढ कर अपना कार्य करते, मौके का इंतजार कभी नहीं करते। तो ये मेंटली रूप से स्ट्रांग व्यक्ति ये सात कार्य कभी नहीं करते। इनको पता है अगर ये सात कार्य हम करेंगे तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लाइफ में है जहां के रह जाएंगे, हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे।